我只要说的。बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नमाज कायम करें इससे पहले कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मौजूद हूँ जी फैसलाबाद कैमल मंडी में। जानवरों की, दूसरों की, बछड़ों की वीडियोस वगैरह बनाई थी, ठीक है। आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद कैमल मंडी में, 2024 फैसलाबाद कैमल मंडी। रेट से जो है भाई से लेते हैं कि कौन कौन से जानवर इनके पास खड़े हैं और क्या क्या रेट है, कितने से स्टार्ट होता है और कौन से जानवर जो है ये कहाँ से आए हैं लेके, और क्या ये आया सारे ही कुर्बानी के लिए बेस्ट हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं भाई से कि कौन कौन से जानवर लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं? सलाम, ठीक है जी। भाई क्या नाम है आपका, नाम बताइएगा। नाम है रियाज। तो आप कहाँ से आए हैं जानवर लेके? हम लकी मरवत से। लकी मरवत से, यहाँ से शेर अफजल मरवत साहब हैं जी। अच्छा जी, मैंने आपका भी ऊँट देखा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम तो बढ़ गया, उसकी क्या रीज़न है? ये तो हमारे गांव वाला है, वो शेर अफजल मरवत जो है इसलिए लिखा है। अच्छा, आपके शेर अफजल मरवत जो है आपके गांव से है तो इसलिए लिखा है। हाँ जी, सही होगा, इनके उनकी मोहब्बत में लिखा है आप लोगों ने। हाँ जी, सही हो गया। तो माशाल्लाह से कितने जानवर लेके आए हैं आप यहाँ पे? हमारा 17 जानवर लेके आए। 17 जानवर लेके, और 17, ठीक हो गया। और सारे ऊँट ही हैं या ऊँटनियाँ भी है? नहीं नहीं, हमारा सारा ऊँट नहीं होता है, ऊँट हम नहीं लेते। अच्छा, ऊँट नहीं लाते, सारी ऊँटनियाँ ही हैं आपके पास, ठीक हो गया। तो कितने से मतलब स्टार्ट है माल आपके पास? ये तो हमारा 4 से लेकर 10 तक। 4 से लेकर 10 तक, ठीक हो गया। तो चले फिर लाएँ कोई एक दो ऊँट ले कर आए खोल के और शो करवाएँ उसका, और रेट वगैरह बताइए हमें साथ साथ। अच्छा जी, तो ये है जी ऊँट इनका जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसकी उम्र कितनी है? इसका 6 साल इसकी उम्र है। और ये मतलब 2 दांत है, 4 दांत है? ये 4 दांत है। 4 दांत है। ऊँटनी है ये भी? ये ऊँटनी। सही हो गया। तो इसका क्या रेट है इसका? इसका है 8.5 लाख। 8.5 लाख। तो क्या इसमें कमी पेशी मतलब कम वगैरह? पूरा रेत जो लेगा ना आएगा पूरा रेत करके। चले ठीक हो गया, रेत करके दे देंगे, ठीक हो गया। और दूसरा कोई जानवर ले के आए फिर साथ जी? भाई इसका क्या रेट है उनका? ये भी आपके पास सारा माल ही ऊँटनी है, क्या इसका रेट है? 7 लाख 80 हज़ार। और क्या दांत कितने दांत है? जो भी है, ठीक हो गया। और आपके पास मैंने देखे हैं वाइट ऊँट भी है ना? सही होगा। ये आपने गर्दन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनके ऊपर नंबर वगैरह लिखे हुए हैं? ये किस लिए नंबर लिखे हुए हैं? ये तो उधर से जब हम लिख जाते हैं ना पर्ची वाई बना। अच्छा, पर्ची बना के देते हैं, ठीक हो गया। माशाल्लाह से हैवी जानवर है, 7 लाख 80 हज़ार की मांग की है आप। और बाकी जैसे कोई आएगा तो रियायत हो जाएगी, ठीक हो गया। अपनी लोकेशन भी बताएं ना कि ये कितने नंबर टेंट है या कोई ग्राउंड है, कितने नंबर है ये बताएं। ये तो हमें अभी पता नहीं है। अच्छा, अभी नहीं पता, नंबर नहीं लिखा है, लिखा नंबर लिखा है बाद में पता। अच्छा, ये नैमो वाला मंडी है, जैसे ही आप इधर से इधर वाली साइड से एंटर होंगे तो दूसरा ग्राउंड जो है वो इधर बैठे हुए हैं कॉर्नर पर है, ठीक है, दूसरे ग्राउंड में ये बैठे हुए हैं, सही है जी। भाई ये था की रेट है गाय सूंट का इसका? ये तो दांतों से छाओगी है और रेट इसका है 4.60। अच्छा, ये भी ऊँटनी है और 4.60। हाँ जी, और इसका जो है दांतों में, ये दांतों में है जी 4 दांत और रेट है जी इसका माशाल्लाह 4,60,000 रुपये। और जो भी जिस तरह कोई आएगा तो उसके साथ जो है रियायत हो जाएगी, ठीक है। अपना नंबर शेयर कर दें, आपने फिर जाना है नमाज पढ़ने, टाइम काफ़ी हो रहा है। हमारा नंबर है 0327-96-14-694। 0327-96-14-694, ठीक हो गया। और माशाल्लाह से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, आप बांध दें इनको। ओके, बहुत शुक्रिया जी जी। अगर हमारे लिए कोई खिदमत जी जी, बहुत शुक्रिया, मैं कहता ताबेदार। तो आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे जो है मंडी एंटर होते साथ ही पहला ग्राउंड छोड़ना है और दूसरे ग्राउंड में जो है ये इधर टेंट लगा हुआ है इनका। अभी ये मेरा ख्याल आए होंगे, 1-2 दिन हो गए, बल्कि 1-2 दिन होते तो इनको टेंट नंबर मिल जाना था। अभी मेरा ख्याल ये रात आए होंगे या कल आए होंगे, अभी टेंट नंबर नहीं मिला इनको। ऊँटों वाली मंडी जो है अभी 1-2 दिन ही हुए हैं लगनी है, अच्छी से अच्छे तरीके से लगी नहीं है अभी। कैमरा मैन अगर आपको घुमा के दिखाए तो अभी फुल जो है मंडी लगी नहीं है, ठीक है। जानवरों की जो है, दूसरे बछड़ों की और बकरों की, वो तो काफ़ी ज़्यादा मंडी लग चुकी है, इन ऊँटों की अभी बहुत ज़्यादा नहीं लगी, बहुत कम है। और बाहर जो है ब्लॉक्स के बाहर भी है जो मंडी एंटर होते हैं ब्लॉक्स हैं, उनके बाहर भी कोई अभी खास इतना रश नहीं लगा,
کل آج تاریخ ہے 6 تاریخ، 6 تاریخ ہے نا، آج 6 تاریخ ہے، کل چاند چڑھے گا تو پھر انشاءاللہ کافی زیادہ مال آ جائے گا منڈی میں، اور یہاں پہ کہہ لے کے کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ملتی جب منڈی میں مال آ جاتا ہے اتنا زیادہ۔ اوکے جی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے سب سے پہلے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔